गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर नंबर 126 और आज का टॉपिक है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया को हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं और इसका जो है मुख्य जो इसके मरीज हैं वो औरतें हैं। औरतों में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा हिस्टीरिया। एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है। कहने का मतलब यह है कि जब इसमें हम फिजिकल टेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं पाया जाएगा। तो होता क्या है, हिस्टीरिया में बड़ा एक्साइटमेंट होता है, हर चीज़ जो है वो एक्सेसिव होती है, इमोशंस एक्सेसिव होते हैं, रोना एक्सेसिव होता है, हंसना एक्सेसिव होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं जब औरतों में होती हैं उससे जो इमोशनल अपहीवल्स होते हैं उसकी वजह से जो औरतों के मूड में मूड स्विंग्स होते हैं उसको हिस्टीरिया कहते हैं बेसिकली। लेकिन अब जो है इस टर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। तो अजीब अजीब हरकतें करना, इसको भी हिस्टीरिया हम कह सकते हैं। कभी कभी ये बीमारी नहीं होती, हॉर्मोनल अपसर्ज होता है ना। और जब इसमें टेस्ट करते हैं, फिजिकल टेस्ट करते हैं, तो कोई बीमारी नहीं पाई जाती। इसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में कैसे हो सकते हैं, हाथों का सुन होना, हाथों में दर्द होना, वीकनेस होना, कान से सुनाई देना, कम देना, आंखों से कम नजर आना, गले में कुछ अजीब सा होना, ये सारे कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में आते हैं। इसकी तीन दवाएं बहुत ही अच्छी हैं, सिमिसिफी का 35 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में मॉर्निंग में, दूसरी है हायस्मस निक 35 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में आफ्टरनून में, और तीसरी है इग्निशिया 35 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में इवनिंग में लेंगे। अगर इन्हीं दवाओं को आप लेते रहते हैं तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे धीरे